हेलो गाइस, हम लोग जो हैं एसएससी जीडी 2025 की बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसको बता दें कि इसका जो है फॉर्म जो है, आपको इसका जो फॉर्म है वो कब देखने को मिलेगा, ठीक है? इसका फॉर्म कब देखने को मिलेगा और इसमें इस बार जो है वैकेंसी आने की जो है संभावनाएं कितनी हैं, और हम लोग जो है इसकी तैयारी, यानी कि तैयारी हम लोग जो है कहाँ से करें। तो हम लोग जो हैं, मैं बता दूं कि मेरा जो है इस बार 119 नंबर आया, 119.8 समथिंग आया। कट ऑफ जो है मेरा 123 जाना था, मैं कुछ नंबर से इस बार रह गया। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना रिपोर्ट कार्ड, ठीक है? तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं रह गया, मैंने इतने इतने नंबर मैंने कैसे अर्न किए, मैं अपनी सारी की सारी आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म जो है आपका 27 अगस्त 2024 को इसका फॉर्म आएगा, और करीबन इसमें वैकेंसी जो है वो 40,000 जो है प्लस का जो है अनुमान लगाया गया है। और इसकी जो है एग्ज़ाम तैयारी को हम काट देते हैं, तैयारी के बाद में बताएंगे कहाँ से करना है, ठीक है? और फ्री में करना है, मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जनवरी से फरवरी 2025 में जो है इसके एग्ज़ाम फिक्स हैं कि इतने में हो जाएगा, ठीक है? इस बार आपको पता ही है कि 46,000 सीट था और जो है कट ऑफ भी अच्छा खासा गया, यूपी वालों को तो रुला दिया भाई, ठीक है? तो अब ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए मैं बता दूंगा कि अच्छे से तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग तैयारी की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है तैयारी की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि इसमें जो है चार सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है? पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैथ्स, सेकंड है आपका रीजनिंग, और थर्ड है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस, और फोर्थ है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश या हिंदी। और मोस्ट जो है इसमें वो हिंदी भाषी होते हैं ज़्यादा वाले, और मैंने भी हिंदी सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो इसमें जो है आपको सबसे मैं बता दूं कि प्रश्न कितने आएंगे, प्रश्न कितने आएंगे, इसमें भी 20 आएंगे, इसमें भी 20 आएंगे, इसमें भी 20 आएंगे, और इसमें भी 20 आएंगे। प्रश्न की टोटल संख्या जो है आपकी 80 होने वाली है, ठीक है? और इसमें जो है मार्क्स कितने मिलेंगे, प्रत्येक का दुगना मिलेगा, 40 इसमें मिलेंगे, 20 के 40 इसमें मिलेंगे, 20 के 40 इसमें मिलेंगे, 20 के 40 यानी कि 160 में हमारी मेरिट बनेगी, 160 में हमारी मेरिट बनेगी। तो अब देखते हैं कि इतना तो हमें पता चल गया कि इतना, और कट ऑफ जो है इस बार बहुत अच्छा खासा आया है, बिहार वालों और यूपी वालों को तो हिला के रख दिया कट ऑफ ने। तो हमें तैयारी होनी चाहिए हमारी, कितना सेफ स्कोर है ना, हम लोग बात करते हैं कि सेफ स्कोर कितना। तो सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक्स के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपको इसकी बुक्स के बारे में जाननी है तो आपको जो है आपको याद रखना अंक गणित पढ़ना है, इसमें अंक गणित पढ़ना है सिर्फ, ठीक है? एडवांस इसमें नहीं है। रीजनिंग में भी कुछ जो है छांटे हुए चैप्टर हैं, ठीक है? अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा टोटल की, जीएस की भी, क्योंकि देखो मेरे पास जो है सारी की सारी बुक्स है, मेरे पास सारी की सारी बुक्स है, और मैं बताऊंगा ये बुक्स क्यों लेनी है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, और मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है? रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर को करना है, कुछ चैप्टर को नहीं करना है, ठीक है? जीएस में स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट, और PYQ स्टैटिक अलग से पढ़ो दोस्तों, और प्रीवियस ईयर के अलग से लगाओ, मैं इतना ही बोलूँगा, काफ़ी है। हिंदी या इंग्लिश की कोई भी नॉर्मल बुक ले लो, बेसिक इंग्लिश आती है, हिंदी की भी कोई प्रीवियस ईयर, इसकी भी कोई PYQ निकाल लो, इसकी भी कोई PYQ लगा लो। अब सबसे बड़ी बात करते हैं हम लोग टेस्ट बुक या रोजगार विद अंकित का मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको किस में मिलेगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक हो तो आप इनका लगाओ, RW वाले को लगाओ,
जब एग्ज़ाम आपका थोड़ा दूर है, 4-5 महीना है, तो इसका लगाते चलो प्रीवियस ईयर के सारे। ठीक है, मैं तो अभी टेस्ट बुक का लगा रहा हूँ, तो इसका लगाते चलो। मैं भी जो है अभी टेस्ट बुक का ही लगा रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आपको मैंने बता दिया है कि इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना आप करो। और फिर अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका, और इसकी तैयारी जो कर रहे हैं बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने कुछ ज़्यादा ही लाइट ले लिया, मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे, कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ने थे, बट मैंने जो है इसको लाइट ले लिया, जिस कारण से मैं मारा गया। मैं चाहूँगा इस बार जो है मैं ऐसा कुछ ना करूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दिया है कि कैसे जो है आपको जो SGDT 2025 के लिए पढ़ना है, और 2024 में जिनका सिलेक्शन हो गया था भाई उनको उनको बेस्ट ऑफ लक, और अभी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो। बट मैं जो ये प्लान है, मैं आपके लिए प्लान लेके आया हूँ, तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, आप सब कुछ करो, टेस्ट बुक से टेस्ट लगाना मत भूलो। अब बात करते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं बुक बुक कौन सी लें, क्या बुक बुक्स कहाँ लेना है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे बेस्ट इसकी बुक आती है रोजगार विद अंकित की। किसकी? रोजगार विद अंकित की, अंकित की।